अल हिंद बल इमारात। दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूएई गए हुए हैं। दोस्तों बता दें कि वहां पर बीएपीएस नाम का एक मंदिर बना है उसका उद्घाटन करने के लिए। दोस्तों बता दें कि यह मंदिर अबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर है जिसको 26 एकड़ में बनाया गया है और इस मंदिर का शिलान्यास 2019 में ही रखा गया था। दोस्तों बता दें कि इसी के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय वहां पर गए हुए हैं और वहां पर जाने के बाद वहां पर जितने भी भारतीय लोग हैं उनसे वह बातचीत किए और इस बातचीत में वह अरबी भाषा का प्रयोग किए। दोस्तों देखिए पहली बार जब नरेंद्र मोदी जी अरबी भाषा में बोले तो देखिए लोग किस तरह से ताली बजाने लगे। इनमें से बहुत सारे लोगों को इसका मतलब नहीं समझ में आया लेकिन बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस बात को हिंदी में समझाते हैं। दोस्तों आप पहले उस वीडियो को देखिए। अरबी में कुछ वाक्य बोलने का प्रयास कर रहा हूं। अल हिंद बल इमारात बी कलम अल जमान वल किताब अदुनिया नकुत्व हिसाब ली मुस्तकलब अब्दल व सदा का बीना अल हिंद वल इमारत हिया सर्वतना अल मुस्तरा का फिल हकीका नहनु फी बदैया साइदाली मुस्त कबल जईता। मैंने अरबी में बोलने की कोशिश की है, अगर उच्चारण में कुछ गलती हो तो मैं अपने यूएई के साथियों से माफी जरूर मांगूंगा और जिन्हें समझ नहीं आया कि मैंने क्या कहा है उन्हें मैं इसका अर्थ भी समझा रहा हूं। जो मैंने अरबी में कहा उसका अर्थ है भारत और यूएई वक्त की कलम से दुनिया की किताब पर एक बेहतर भाग्य का हिसाब लिख रहे हैं। भारत और यूएई की दोस्ती हमारी साझा दौलत है। हकीकत में हम अच्छे भविष्य की बेहतरीन शुरुआत कर रहे हैं।